राष्ट्रपति सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि की सजा मामले में राहुल गांधी पर जो खबर सामने आई वो ये कि सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है। तो सजा रोकने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, वहीं 3 मई को ये तय हो पाएगा कि लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए या फिर नहीं। इधर सूरत कोर्ट में जाने को लेकर कांग्रेस ने देश के कई शहरों में राहुल के समर्थन में प्रोटेस्ट किया, तो कांग्रेस शासित राज्यों के तीनों सीएम समेत कई बड़े नेता सूरत भी पहुंचे थे। और लगातार इस पूरी खबर पर पूरे बीते कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सियासत भी अब इस पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बीजेपी ने जहां कोर्ट पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने अपने लीडर के सपोर्ट में बात कही है। मानहानि मुकदमा और मुसीबत, सुनवाई सजा और जमानत, कोर्ट के चक्कर और सियासत, मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में सजा पा चुके राहुल गांधी के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। पिछले 12 दिनों से टेंशन में चल रहे राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सजा रोकने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। सूरत की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से 3 एप्लीकेशन फाइल की गई थी। पहली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से दी गई 2 साल की सजा को सस्पेंड कर जमानत देने की, जिसे सेशन कोर्ट ने तुरंत मान लिया और राहुल गांधी को 15,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। दूसरी एप्लीकेशन में सूरत की लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करने की अपील की गई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस करने वाले पुर्नेश मोदी को नोटिस जारी करके 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। अब इस केस में सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इसके अलावा तीसरी एप्लीकेशन में राहुल गांधी ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से रद्द करने की अपील की है। इस पर कोर्ट ने 3 मई को सुनवाई की डेट दी है। अब 13 अप्रैल को सुनवाई के बाद साफ होगा कि राहुल की सजा को कोर्ट सस्पेंड करता है या नहीं। जब फाइनल अपील नहीं चलेगी तब तक इनके बेल ग्रांट किए हैं, सेंटेंस स्टे हो गया है, तो अब राहुल जी को दोबारा कोर्ट में आने की जरूरत नहीं रहेगी किसी भी स्टेज पे। तो केस में इसे कोई दम ही नहीं है। मुझे जरूर अपनी जुडिशरी पे विश्वास है, आखिर में राहुल गांधी जी के केस में जीत होगी। हमें पूरा भरोसा है कि यही हमको न्याय मिलेगा और न्याय मिल जाएगा और 13 तारीख को इस सारे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। हम न्याय के दरवाजे पे हैं, हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। सोमवार को राहुल सूरत की अदालत में पेश होने पहुंचे तो इस दौरान जमकर सियासत हुई, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ रेगुलर फ्लाइट से सूरत पहुंचे, लेकिन वहां उनके समर्थन में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही पहुंच चुके थे। इनके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भी सूरत पहुंचे हुए थे, तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों में राहुल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुनवाई पर सियासत को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं, उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के लिए एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो अब जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। ये क्या मतलब है, मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं? ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। मैं कानून का छात्र हूँ, ये तो कमाल। और देखिए मोदी जी को उनकी पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में, कोई कार्यकर्ता निकले थे सड़कों पर क्या? और यहाँ सोनिया जी से पूछो
नेशनल हेराल्ड में इनसे पूछो, राहुल गांधी से या दमाद जी से पूछो, कांग्रेसी सड़क पर, और अब चले जा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये दरबारी संस्कृति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये न्याय व्यवस्था का अपमान है। छोटे सरकार अपने तमाम झंडा बरदारों के साथ इतना बड़ा लश्करे जर्रार लेकर क्या करने गए थे? आप अपने अहंकार का प्रदर्शन करने गए थे कि जो पिछड़े वर्ग के अपमान के बाद भी आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी ठसक है, या आप न्यायालय को दबाव में लेने गए थे, या जांच एजेंसियों को जो धमकाने की आपकी प्रवृत्ति है वह करने गए थे? बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने इसे अपने लीडर के समर्थन की बात कही और कहा कि राहुल गांधी ने किसी को नहीं बुलाया, लोग खुद सपोर्ट करने सूरत पहुंचे थे। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं, और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। मैं अपने नेता साथ जा रहा हूँ, जुडिशियल दबाव क्या होगा? ये हुड़दंग मचाने के काम पे पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आए हैं, और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की जरूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मनसा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं रहते। मोदी जी और बीजेपी पार्टी चाहते तो है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी को बदल के मोदी शियरी बना दे, लेकिन वो नहीं बनने वाले हैं, इसलिए उनका गुस्सा उभर कर आ रहे, गुस्सा भड़क रहे हैं। राहुल की सुनवाई को लेकर शक्ति प्रदर्शन और जुडिशरी पर दबाव की सियासत के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी आगे की रणनीति जाहिर कर दी। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि ये मित्रकाल के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। राहुल की ट्वीट को प्रियंका वाड्रा ने भी रीट्वीट किया और लिखा, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राहुल को जमानत के बाद अब सदस्यता बहाल होने की उम्मीद जगी है, लेकिन ये 3 मई को ही तय हो पाएगा कि उनकी सजा रद्द होती है या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।